नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। स्वागत करते हैं आपका अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है खेत पर चर्चा। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान कर्नल वीबी सिंह जी, और आज हम वहां पहुंचे हैं नोएडा से सटे सिकंदराबाद के सैदलपुर गाँव में। तो आज जानेंगे कर्नल वीबी सिंह जी से कैसे उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट फौज की नौकरी करने के बाद में जैविक खेती में कदम रखा, और आज वो एक सफल किसान के रूप में उभर कर आ रहे हैं और आजकल देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल का। मेरा नाम कर्नल वीबी सिंह है जी। मैं आर्मी सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मैंने जैविक और प्राकृतिक खेती की एक कोशिश करी है। यूँ तो मेरा रुझान इस तरफ बचपन से ही था, जब मेरे पिताजी जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनको जब भी मकान मिलता था तो ज़मीन कोई ज़रूर होती थी, तो वो अपनी पूजनीय माताजी के मतलब गाइडेंस के अंदर सब्जी उगाया करते थे, और एक आदत सी बन गई थी कि अपनी ही सब्जी खाएंगे। बाद में जब मैंने आर्मी ज्वाइन करी तो मुझे रिमोट एरियाज में हरियर जंगलों में काफ़ी नौकरी करने का मौका मिला, और जैसा कि सबको पता है कि आर्मी एरिया हमेशा साफ और ग्रीन होता है जी, और एक प्रकृति से जुड़ने के लिए हर एक किसी को प्रेरणा देता है। जब मैं रिटायर हो गया तो मेरी मंशा थी कि मैं कम से कम अपना खाना तो स्वास्थ्य खाऊं, जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? एक तरफ तो आपने देश की सेवा करी, राष्ट्र की सेवा करी, तो आपको एकदम कैसे सोचा कि आपने कि मैं खेती किसानी शुरू करूँ, क्योंकि आपका एकदम बैकग्राउंड अलग, आपने सर्विस करी, देश की सेवा करी, उसके बाद आपने खेती का रुझान कैसे कर लिया? आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगा? आपको कोई आपका मोटिव था कैसे? जैसा मैंने बताया, मुझे सब्जियों से बहुत लगाव रहा है और प्रकृति से। जब मैं रिटायरमेंट के बाद सिविल में आया और मैं देखता रहा, अखबारों में पढ़ता रहा, टीवी पर देखता रहा किस प्रकार गंदे रसायन, गंदे पानी से सब्जी को धोकर हमें खिला रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका एक ही जरिया है कि मैं कम से कम शुरुआत के तौर पर अपने लिए बड़ी खेती तो नहीं कर पाऊंगा, एक शुरुआत करूं और सब्जी और दूध मैं अपना ही पीऊं, जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। बहुत अच्छी बात बताई कर्नल वीबी सिंह जी ने कि इनको एक अनुभव हुआ कि आजकल जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, केमिकल फर्टिलाइजर युक्त चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही हैं। लेकिन जब आपने जैविक खेती करना शुरू किया तो आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला फूड होता है और इसमें काफ़ी अंतर आया होगा, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है? अंतर की बात करें तो इसमें दिन रात का अंतर है। पहली बात तो यह है, जो आप खुद पैदा करते हैं, आपकी आंखों के सामने चीज़ बोई जा रही है, बड़ी हो रही है, उससे आपको लगाव होता है, उसका वैसे ही स्वाद अच्छा होता है। और क्योंकि हम इसमें यूरिया कोई केमिकल नहीं डालते हैं, तो वाकई में इसकी स्वाद में फ़र्क है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। अगर मैं अपनी सब्जी को 3 दिन बाद में इस्तेमाल करूँ तो वो सब्जी में वही ताजगी रहती है जो कि नॉर्मल सब्जी में नहीं होती। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप जैविक खेती कर रहे हैं पूरी, आप केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? जैसे कि जब आपने ये खेती करना स्टार्ट किया तो आपके पास एक क्या रोड मैप आपने बनाया है कि आप अपने खेतों में क्या लगाएंगे उर्वरकता बढ़ाने के लिए या खरपतवार को मारने के लिए, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं? जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया, अच्छे जानकार लोगों से मिला भी मैं, कुछ मैंने ट्रेनिंग भी ली और यूट्यूब चैनल से काफ़ी कुछ सीखा। अब मुझे पता लगा कि खेती करने से पहले मुझे गाय की ज़रूरत बहुत है, जिसका मूत्र और गोबर मेरे लिए वरदान होगा, तो मैंने शुरुआत में ही 2 गाय खरीदी, गिर गाय, देसी गाय और गिर गाय, और उनसे मैं जीवामृत बनाने लग गया। मेरे खेत में जब भी पानी लगता है, कोई भी पानी सादा पानी नहीं जाता, उसमें हमेशा जैविक अमृत जीवामृत मिलकर जाता है या डीकम्पोजर साथ जाता है, तो वो हमेशा शुरुआत में ही रही। ज़्यादा खरपतवार का सवाल है, मैंने ये सोचा कि अगर थोड़े बहुत खरपतवार उग भी जाते हैं, मेरी फसल कम भी हो जाए, मैं किसी हालत में भी रसायन का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ भी कहें, अगर खरपतवार के लिए रसायन डाला जाएगा तो फसल को इफेक्ट ज़रूर करता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी थाने की थाली में आती ही आता है। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके खेत बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपने बताया कि लगभग ये 3 से 4 साल का आपका परिश्रम है, तो आसपास के किसान जो हम देख रहे हैं आपका खेत बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो ये आसपास के किसान कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप ये क्या करने लगे और ये कैसी खेती आप कर रहे हो, हम तो अलग करते हैं, हम तो बल्क में गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं, धान करते हैं, तो कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा आपसे? कहा तो नहीं, शुरू में उनको अच्छा से होता था, कुछ तो ये सोच रहे कर्नल साहब का दिमाग खराब हो गया है जी, यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, आलोचनाएं करने लगे। मतलब आलोचना तो नहीं कहूँगा, मगर यह है कि वो ये समझते रहे हमें, क्योंकि मैं एक तो इस गाँव का नहीं हूँ जी, तो उनके मन में था जिज्ञासा भी थी क्या हुआ, बस धीरे धीरे उन्होंने जब देखाया मेरे खेत में हमेशा हरियाली बनी रहती है, क्योंकि सब्जी हरी रहती है, कुछ मैंने पेड़ भी लगाए हैं जो कि आम जगह पर नहीं है, जब गेहूं कटेगा जो पूरा इलाका सुनसान होगा, बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, तभी मेरा खेत हरा बना रहता है।
तो एक तो मुझे मानसिक संतुष्टि मिलती है कि मेरी हरियाली है और मैं उसके पास हूँ। ये ज़रूर है कि जो किसानों के बच्चे हैं वो जब भी यहाँ आते हैं शहरों से मेरे खेत को विजिट ज़रूर करते हैं, आते हैं बोले अंकल जी हम आपका फार्म देखना चाहते हैं, आते हैं घूमते हैं और मैं ये का मुझे यकीन है कुछ कहीं ना कहीं उनको ये अच्छा लगता है और आगे हो सकता है वो भी इस लाइन में आने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक संदेश क्या देना चाहेंगे, जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसानी लोग कहते हैं कि बड़ा घाटे का सौदा है, जो देश का किसान है वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, अक्सर ये समस्याएं आती हैं। जैसे मैं भी अगर बात करूं और मैं भी अपनी मैं खुद की बात करूं, मैं किसी और की बात ना करूं, तो मेरे घर वाले ये कहते हैं कि नहीं चाहे तुम प्राइवेट नौकरी करो, चाहे 50,000 की चाहे 1,00,000 की, लेकिन अपना गुजारा शहर में करो, तुम शहर की तरफ देखो, तुम्हारे पास जमीन भी है तो गाँव की तरफ रुख मत करो। और गाँव के लोगों से जब ये पूछा जाता है कि खेती किसानी क्या सौदा है फायदे का, तो वो कहते हैं इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इसको फायदे का सौदा मानते हैं, घाटे का सौदा मानते हैं, क्या मानते हैं, आपका खुद का अनुभव क्या है? मेरा अनुभव तो यह है कि सिर्फ फसल के ऊपर किसान नहीं जी सकता जब तक उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा ना हो, और हमारे देश में जैसा आपको पता है कि काश इतनी बड़ी नहीं है, किसानों के पास छोटी ज़मीन, कम ज़मीन वाले किसान बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ ज़मीन के ऊपर वह निर्भर नहीं रह सकते, उनको पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन साथ में जरूर करना होगा। मिश्रित खेती जिसको कहते हैं, इंटीग्रल फार्मिंग की जिसे कहते हैं, हम एक बार पूसा में गए थे तो उनके रिसर्च सेंटर में प्रॉपर एक इंटीग्रल फार्मिंग का मॉड्यूल है, तो अगर किसान उसको करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जीविका चलाने में उसको आसानी रहेगी। बिल्कुल, इसके अलावा वो एक ही बात पर डिपेंड नहीं करे, मान लीजिए आपने गेहूं बो दिया पूरे में और मौसम की वजह से गेहूं पूरा गया तो आपका सब कुछ डूब गया उसमें और आप कर्ज के नीचे आ गए। अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन है, आपके पास पशु भी हैं, आपके पास और एक किसान को भी थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि वो भी एक छोटा सा कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है, तभी वो पैसा कमा पाएगा, खाली किसान बनकर पैसा नहीं कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। उसमें ये भी मैं शामिल करूँगा, मान लीजिए एक छोटा किसान है उस पर थोड़ी गुंजाइश है तो अड़ोस पड़ोस से चीज़ को खरीद के थोड़ा सा रख ले, उदाहरण के लिए सरसों खरीद ले आसपास की और सरसों का तेल निकाल कर बेचे कुछ महीने, प्रोसेसिंग करे, केवल गेहूं मंडी तक ना ले जाए, अगर चाहता है तो उसका दलिया बनाए, उसका आटा बनाए और मल्टीग्रेन आटा जैसे कि आजकल चीजें चल रही है जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, वो खुद छोटे स्तर पे कर सकता है। अच्छा देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, इस उम्र में आपने राष्ट्र की सेवा भी करी, अब आप एक खेती का मॉड्यूल तैयार करके लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं देश के युवाओं के लिए, या जो ऐसे किसान हैं जो केमिकल वाली खेती करते हैं, तो आप एक कहीं ना कहीं उनके लिए मिसाल हैं, इसीलिए हम आप तक पहुंचे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें कि ना करें, वो केमिकल वाली खेती करते रहें, या वो क्या अपनी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव के अनुसार? मेरा सोचना है कि जो हमारा खाना है वो एक दवा है, हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हमारा खाना शुद्ध और साफ हो, उसके ज़रूरी है या तो हम खाना खुद पैदा करें, मैं मानता हूँ कि हर कोई खाना नहीं उगा सकता, ना तो सब्जी भी नहीं उगा सकता, जहाँ तक हो सके अपने किचन गार्डन में, अपने घर में, टेरेस पर, आंगन में थोड़ी बहुत सब्जी ज़रूर उगाएं, जिससे बच्चों का उससे जुड़ाव बना रहे। दूसरी बात उनको ये पता होना चाहिए कि मेरी सब्जी मेरा खाना कहाँ उगाया जा रहा है। चलिए अन्न में तो केमिकल का असर थोड़ा सा कम होता है मगर सब्जियों में बहुत ज़्यादा होता है, दूध में तो अच्छा रहेगा वो ऐसे किसानों से जुड़ें जो इस किसान इस प्रकार की खेती प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं, और उनको विजिट करें, उनको और उनसे चीज़ खरीदें डायरेक्ट जाकर। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपको खाना अच्छा मिलेगा, दूसरा किसान का मोटिवेशन होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी, उसको भी बताएगा मेरे खाने की कदर है किसी को। आज की तारीख में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसी रेट पर ऑर्गेनिक खाना बिक रहा है, प्राकृतिक सब्जी बिक रही है, उसी रेट पर नॉर्मल सब्जी बिक रही है, जबकि सबको ये विदित है कि ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती में पैदावार थोड़ी सी कम होती है, सब्जी देर में पकती है क्योंकि हम लोग कोई केमिकल नहीं लगाते। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा कर्नल वीवी सिंह जी के साथ। उन्होंने बताया है कि अगर जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनकी फसल को आप खरीदिए अगर आप सक्षम हैं तो, और जो वो प्रोसेस कर रहे हैं उनको जाके देखिए कि आलू कैसे उगता है, आपकी मूली कैसे उगती है, गाजर कैसे उगता है, अपने बच्चों को उसका अनुभव कराएं कि जो कि मुख्य धारा से कट गए, जो कि खेती किसानी से काफी दूर आ गए, आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन राशि होगी वो किसान को मिलेगी और उसकी इसकी स्थिति में सुधार आएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, बने रहिए हमारे साथ खबर किसान के YouTube चैनल पर। अगर आप भी कर्नल वीबी सिंह जी से संपर्क करना चाहते हैं और इनका फार्म विजिट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम आपको सर का नंबर दे देंगे, सर की डिटेल्स दे देंगे। और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा दें जिससे कि आपको हमारी ताजा अपडेट मिलती रहे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।